दोस्तों भारत में बहुत से ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने ज्ञान के बलबूते अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। और ऐसे ही समझदार लोगों की लिस्ट में एक नाम सामने आता है आचार्य चाणक्य का, जो कि एक टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट और एक रॉयल एडवाइजर थे। और इन्हें ही पूरी दुनिया आज भी सबसे महान पॉलिटिशियन के तौर पर जानती है। चाहे बीता हुआ पुराना समय हो या फिर आज का समय, लोग एक सफल व्यक्ति बनने के लिए चाणक्य द्वारा बताए गए उसूलों पर ही चलना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महान ज्ञानी चाणक्य की पूरी लाइफ स्टोरी को जानते हैं कि किस तरह से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने नंदवंश को खत्म कर मौर्य शासन की नींव रखी। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाणक्य की जो लाइफ स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है और इसीलिए कई सारे अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग कहानियां बताई हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा जिसके बारे में लोग ज्यादातर बातें करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 371 ईसा पूर्व से, जब चनका नाम के एक गांव में चाणक्य का जन्म हुआ। और यह गांव बेसिकली उस समय गोला रीजन के अंतर्गत आता था। साथ ही चाणक्य को लोग कौटिल्य और विश्वगुप्त के नाम से भी जानते थे। और बताया जाता है कि वह बचपन से ही बहुत ही ज्ञानी थे और चाणक्य के तेज दिमाग को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें तक्षशिला के एक प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। और वहां पर चाणक्य को अर्थशास्त्र और वेदों के बारे में अच्छी जानकारियां पाने का मौका मिला। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद से चाणक्य वहीं एक टीचर के तौर पर पढ़ाने लगे। और दोस्तों, चाणक्य के समय में एक जगह हुआ करता था पाटलिपुत्र, जिसे कि अब हम पटना के नाम से जानते हैं। और उस समय पाटलिपुत्र एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य मगध का कैपिटल था, जहां पर नंदवंश का साम्राज्य था और वहां के राजा थे धनानंद। और दोस्तों, एक बार राजा धनानंद ने मगध के अंदर बहुत बड़ा सा यज्ञ करवाया। और जब यह यज्ञ चल रहा था उस समय चाणक्य भी वहीं पर मौजूद थे। और फिर चाणक्य ब्रह्म भोज के समय ब्राह्मण के गद्दी पर जा बैठे। लेकिन जब राजा धनानंद ब्रह्म भोज वाली जगह पर पहुंचे, तब चाणक्य के पहनावे को देखकर उन्होंने भरी सभा में चाणक्य का मजाक उड़ाया और ब्रह्म भोज के बीच से ही उन्हें उठने का आदेश दिया। और फिर इन सभी अपमानों से क्रोधित होकर चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और राजा धनानंद को कहा कि जब तक वह नंदवंश का सफाया नहीं कर लेंगे, तब तक वह अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। और फिर यहीं से चाणक्य के जीवन का मकसद हो गया सिर्फ और सिर्फ नंदवंश को खत्म करना और अपने द्वारा चुने गए किसी आदमी को राजा बनाना। और फिर अपमान सहने के बाद से चाणक्य विंध्या नाम के एक जंगल में चले गए और वहाँ उन्होंने सोने के सिक्के तैयार किए, जो कि कोई खास टेक्निक से बनाए गए थे। और उनका यह सीक्रेट टेक्निक एक सिक्के को कुल 8 सिक्कों में तब्दील करने की ताकत रखती थी। और इस तरह से कुल 800 मिलियन सिक्के तैयार करके उन्होंने जंगल में ही कहीं छुपा दिए। और फिर अब आचार्य चाणक्य उस आदमी के खोज में निकल गए जो धनानंद की जगह लेकर मगध पर राज कर सके। साथ ही उन्होंने राजा धनानंद के बेटे पब्बाता से भी दोस्ती बढ़ाई और उसे मगध के सिंहासन को पाने के लिए उकसाने लगे। हालांकि इसी बीच चाणक्य ने एक और लड़के को कुछ बच्चों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए देखा और उसे देखकर वह पल भर में ही समझ गए यह कोई आम लड़का तो नहीं है। और फिर जब उन्होंने उस लड़के के बारे में जानकारियां बटोरी तो यह पता लगा कि वह मौर्य साम्राज्य का वंश चंद्रगुप्त है, जिनके पिता की हत्या राजसी लालच के चलते कर दी गई थी और राजकुमार चंद्रगुप्त राज्य से निकाल दिए गए थे। और फिर इन बातों को जानने के बाद आचार्य चाणक्य को यह महसूस हुआ कि चंद्रगुप्त भी धनानंद की गद्दी पाने के योग्य है। हालांकि अभी भी पब्बाता, जो कि राजा धनानंद के लड़के थे, और चंद्रगुप्त, जो कि मौर्य साम्राज्य के वंश, इन दोनों के बीच किसी एक को चुनना बाकी था। और फिर सही चुनाव के लिए आचार्य चाणक्य ने दोनों की परीक्षा लेने की सोची। और फिर चाणक्य ने पब्बाता और चंद्रगुप्त दोनों को धागे में लगी हुई एक रक्षा कवच दी, जिसे कि उन्होंने कहा कि वह गले में पहन कर रखें। और फिर एक बार जब चंद्रगुप्त सो रहे थे, तब चाणक्य ने पब्बाता से कहा कि वह चंद्रगुप्त को बिना जगाए हुए और बिना धागे को काटे हुए उनके गले से उस रक्षा कवच को निकाल कर लाए। लेकिन हजार कोशिश करने के बाद भी पब्बाता यह काम नहीं कर पाए। और फिर सेम यही काम पब्बाता के सोते समय चंद्रगुप्त से करने के लिए कहा गया। और फिर क्या था, चंद्रगुप्त ने तलवार उठाई और पब्बाता का सिर धड़ से अलग कर दिया और वह रक्षा कवच चाणक्य को ला कर दे दी। और इस तरह से चाणक्य को अब मगध का भावी राजा मिल गया था। और फिर चाणक्य ने अगले 7 सालों तक चंद्रगुप्त को राजनीति और शाही कर्तव्यों की सीख देनी शुरू कर दी। और फिर अंत में अपने द्वारा छुपाए गए सोने के सिक्कों को निकालकर चाणक्य ने एक विशाल सेना तैयार किया,
जिन्होंने नंदवंश को हराकर चंद्रगुप्त को राजा की गद्दी पर बैठा दिया। और फिर जीत के बाद से चाणक्य ने चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बनकर जीवन बिताया। और दोस्तों इसी दौरान आचार्य चाणक्य ने दो किताबें भी लिखी, जिसमें पहली थी चाणक्य नीति और इस बुक में उन्होंने अच्छे शासक को कैसे शासन करना चाहिए इस बारे में बताया, और दूसरी बुक थी अर्थशास्त्र, इसमें चाणक्य ने एक राज्य की आर्थिक नीतियों के बारे में विस्तार से बताया है। और इस तरह से अपने आप को सबसे सफल पॉलिटिशियन और ज्ञानी लोगों की गिनती में लाखड़ा करने के बाद चाणक्य ने इस दुनिया को अलविदा कहा। हालांकि उनके मृत्यु के पीछे भी कई सारी अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। बहरहाल अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आचार्य चाणक्य ने जो हमें कूटनीति और राजनीति के बारे में अपनी व्याख्या समझाई है वो सभी की जिंदगी आसान बनाती है, और उनके विचार आज भी अक्सर हमको सुनने और देखने को मिली जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि चाणक्य की यह लाइफ स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।